नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले अर्घ देगी और बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुन के वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को उसने कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी ने कहा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब साथ में खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज किसी ने खाना नहीं खाया है तो अब मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूँ। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा, परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकी तो इतना काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने के धोवने से पत्नी को मारा। धोवना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छीके पर पड़ा है, वही खा लो। तिलकूटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे। वह बोली, घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ से पोछूं। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आ गया और बोली, तंग किए जा रहे हो। सो बोली, ऐसा करो मेरे सिर से पोछो, और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके वे बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चलो चाची, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं धोवने और पाटे से तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकूटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ। जेठानी बोली,
उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे सिर पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। उसने देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो यह बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से कर। इस प्रकार गजानन भगवान ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी कृपा सब पर करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो ये थी सकट चौथ तिल चौथ की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।